हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक जैन में। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन की तरफ से दोस्तों आपका जो रिजल्ट है दोस्तों नोटिस आ चुका है। आज ही 5 तारीख को रात को 11 बजे से आपका दोस्तों रिजल्ट सबका आ जाएगा दोस्तों, और आपको ये दिखा दिया जाएगा कि कौन से लोग हैं जो कि एलपी में दोस्तों क्वालिफाई हो चुके हैं, जो साइको एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों। सभी जोन ने इससे पहले ही अपनी कट ऑफ जो है दोस्तों सभी जोन ने अपनी जाहिर कर दी है दोस्तों। आप चाहें तो आरआरबी इलाहाबाद के साइड और अन्य कुछ साइडों पर जो है आपको कट ऑफ भी दिख जाएगी दोस्तों। आप पहले ये देख लीजिए कि नोटिस आ चुका है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पॉइंट नंबर एक लिखा है कि आपका जो सेकंड एससी शिफ्ट 21, 22, 23 तारीख और 8 तारीख को हुआ था, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको 23 मार्च को आपको जो है रिजल्ट का वो आया था कि आपका प्रोविजनल स्कोर कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो पॉइंट दे रखा है कि अकॉर्डिंगली कैंडिडेट कैन नाउ व्यू देयर इंडिविजुअल स्कोर कार्ड। आप अपने अलग अलग स्कोर कार्ड दे सकते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस जो आपका CVT 1 के लिए वो भी देख सकते हैं। जो लिंक है दोस्तों आपका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर डाला जाएगा। ये जो एक्टिव होगा दोस्तों 16 अप्रैल तक रहेगा एक्टिव, और आज रात को 11 बजे से दोस्तों एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है दोस्तों, 11 बजे से आपका रिजल्ट आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे जो बात करते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि आपके जो है टोटल नंबर ऑफ थर्ड नंबर था, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो करे जाएंगे दोस्तों 8 गुना है आपको मालूम है। मगर 35 नंबर आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि पार्ट बी में आपके 35% नहीं दोस्तों, 35 नंबर ही होने चाहिए 100 में से। 26.5 वाले सभी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ रेस से बाहर हुए हैं, और जिनके 35 नंबर है दोस्तों वहीं पास होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। यहाँ अगली बात कहते हैं कि कैंडिडेट मे नोट दैट एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 16 तारीख को ही होगा दोस्तों, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। 16 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है 16 अप्रैल को ही होगा। तो इस बात की आपको किसी भी तरह की उम्मीद ना रखें कि 16 तारीख से आगे एक दिन भी पेपर खिसकने वाला है। अगली बात है दोस्तों, द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होने वाले हैं दोस्तों 5 बेटी टेस्ट होंगे, सभी में आपको 42 नंबर कम से कम लाने हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, ये यानी कि सबके लिए, किसी भी तरह का इसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। यानी कि चाहे वो बंदा ST SC OBC जनरल EWS किसी भी कैटेगरी का, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट दोस्तों सबसे बड़ी बात, किस तरह का पेपर आएगा। मॉक टेस्ट का लिंक दोस्तों आपको 10 तारीख से 16 तारीख तक आपके मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। मॉक टेस्ट जरूर दे तो आपके आपको पता पड़ जाएगा पेपर किस तरह से आएगा। अगली बात देखते हैं 6 पॉइंट है जो दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBAT शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट आपको लेके जाने दोस्तों। देखिए यहाँ क्लियर बात कर दी, विजन सर्टिफिकेट आप लेके नहीं जाएंगे, किसी भी तरह से आप फेल होते हैं विजन सर्टिफिकेट ले जाने में, आपको वहीं बाहर कर दिया जाएगा और आपको किसी भी तरह से एंट्री नहीं दी जाएगी। अगली बात है, ऑल द कैंडिडेट शैल बी एडवाइज थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी ईमेल टू डाउनलोड देयर एग्जाम सिटी इंटीमेशन। आप एग्जाम सिटी कब है आपकी CBT की, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की, आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम से 4 दिन पहले, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर पे जो पॉइंट है, द कैंडिडेट ऑफ ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लाइबल टू बी कैंसिल्ड। यानी कि पूरी तरह से दोस्तों ये प्रोविज किसी भी तरह से कैंसिल किया जाता है। अगर कोई भी इनको बाद में डेटा, आपने जो डेटा भरा है वो डेटा वहाँ नहीं मिला, किसी भी तरह से अगर इनको लगता है कमी है, आपका ये जो आपका कैंडिडेटरशिप है वो आपकी रद्द कर दिएगी। नवा पॉइंट है, वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्टीट्यूड, आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इवेंट एरर और टाइपोग्राफी प्रिंटिंग। यानी कि मान लीजिए अगर किसी तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, कुछ किसी बच्चे का रह गया, कुछ गलती हुई है, तो वो उसको सुधार सकते हैं दोस्तों, उनको हक है, वो इसमें बदलाव कर सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन 10वां पॉइंट है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इवैल्यूएशन एप्टीट्यूड टेस्ट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV फॉर ALP एंड वेरियस पोस्ट डेफिनेशन विल बी पब्लिश एंड DV विल बी स्टार्ट ड्यूरिंग मई 2019। यानी कि जो टोटल है सारा जो काम आपके मई में स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है, सारा टेक्नीशियन ALP PCM सभी की जो है ड्यूरिंग 2019 मई में स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर ऑफ जितने भी जो रूमर्स फैला रहे हैं लोग, उनसे आप सावधान रहिए। 12वां पॉइंट है दोस्तों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द अपडेट। 5 तारीख को दोस्तों ये देखिए नोटिस आया है, 5 अप्रैल 2019 को चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सभी लोग जल्दी से देख लें, रिजल्ट 11 तारीख को आने वाला है, सभी लोग अपने अपने जोन की कट ऑफ देख लें। मैं भी दोस्तों आपके सामने कट ऑफ जल्दी लेके आऊँगा कि किस जोन में कितनी कट ऑफ गई है, मगर तब तक आप जो है ये नोटिस ढंग से पढ़ लो और अपना 11 बजे आपका रिजल्ट देख लें। कुछ ही 10-15 मिनट रहेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा।